नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। ये जो बिटकॉइन के सीरीज़ चल रहा है, आज इस सीरीज़ में तीसरा वीडियो है, तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम दिखाएंगे आपको कैसे आप अपने अकाउंट में बिटकॉइन बाय कर सकते, कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, कैसे उसे बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसी के बारे में पूरा वीडियो है और कैसे आपको बिटकॉइन बाय करके छोड़ देना है और इंतज़ार करना है कब आपका बिटकॉइन के वैल्यू बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो मैं हूँ सुरीद, आप देख रहे हैं विशेष टेक्निकल। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे पहले पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके अपना मेरा जो पूरा वीडियो है बिटकॉइन का और दूसरा वीडियो भी वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको, इंडिया के अगर मैं है तो Zebpay ऐप्स आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने Zebpay ऐप इंस्टॉल कर लिया है। और ये देखिए अगर इसके पास एक रेफर कोड है, आप इस रेफर कोड को इनपुट कीजिए तो आपको 100 रुपया बिल्कुल फ्री मिल जाएगा और मुझे भी थोड़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए बाय सेल डिपॉजिट विथड्रॉल। बाय करने से पहले आपको आपके अकाउंट का जो जीरो इधर लिखा हुआ है, इधर आपको इधर डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डिपॉजिट कैसे करेंगे, हम डिपॉजिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए इधर टू प्रोसेस है, एक है NEFT RTGS IMPS। इधर देखिए ट्रांसफ़र वन, इसका मतलब क्या है, मिनिमम 21 टका 21 रुपीज़ और मैक्सिमम 1.5 लाख। और इधर लिखा हुआ है पेमेंट गेटवे पे यू 25,000 मैक्सिमम 15, ठीक है। तो मैं NEFT RTGS पे जाऊंगा, तो मैं सिंपली इसे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद इधर अमाउंट डाल देता हूँ, मैं 1,000 रुपया लगाना चाहता हूँ, 1,000 रुपया मैंने डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए तीन प्रोसेस दिख रहा है, ठीक है। तो मैं सिंपली नेक्स्ट कर देता हूँ, एक बार पढ़ लीजिए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। 16 मिनट लगेगा, तो मैं इधर स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए और बैंक डिटेल्स दिखा है, डिपॉजिट 1,000, NEFT अकाउंट पे Zebpay, IFSC कोड इतना, ठीक है। आप अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं सिंपली नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। मेरा अकाउंट नंबर और SBI का अकाउंट नंबर है, 1,000 रुपया मेरे अकाउंट से कटेगा। उसके बाद मैं प्लेस डिपॉजिट ऑर्डर पर क्लिक कर देता हूँ, 1,000 रुपया, ठीक है। ऑर्डर समरी ये देखिए पेंडिंग दिखा रहा है, डिपॉजिट योर बैंकिंग, इसका मतलब क्या है, ये 1,000 रुपया जो मैंने मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए दिया है, इधर आप पेंडिंग ऑप्शन में है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, मैं इसे रहने देता हूँ मेरे Zebpay अकाउंट में, तो बैंकिंग टाइम के थ्रू इसे मेरे अकाउंट में खुद ब खुद जमा हो जाएगा। देखिए ऑर्डर समरी इधर लिखा हुआ है, तो अब इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। उसके बाद आप अपने इधर बैंक इधर अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये राइट चिन्ह इधर हो जाएगा। तो मैं एक बटन पर क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए पेंडिंग ऑप्शन दिख रहा है। मैंने 1,000 रुपया मेरा जो अकाउंट से लेना चाहता हूँ, मैं लेने के लिए मैंने प्रोसेस कर दिया। अगर आप पेमेंट गेटवे इधर से जाएंगे तो सिंपली आपको 1,000 रुपये बैठाना है, 25,000 यानी 2,500 रुपये इधर बैठाना है। उसके बाद आपको खुद नेट बैंकिंग के थ्रू इधर डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने 1,000 रुपये का पेंडिंग ऑप्शन डाल दिया है, ये बैंकिंग प्रोसेस के थ्रू इधर मेरे अकाउंट में जमा हो जाएगा। अभी रेट थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया है, ये देखिए थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया है। जब आपका रेट कम हो जाए तभी आपको लगाना चाहिए, तो मैं सिंपली इसे रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जब मेरा अकाउंट पैसा मेरे अकाउंट में जमा हो जाएगा, उसके बाद मैं फिर से आपको दिखाऊँगा। ये देखिए पेंडिंग दिख रहा है, तो अब मुझे सिंपली इस नंबर पे मुझे पैसे भेजना है मेरे अकाउंट से, जो मेरे SBI के अकाउंट है, मैं उससे पैसे भेजूंगा इस नंबर पे जो Zebpay का अकाउंट नंबर है, तभी मुझे कंफर्म करेगा। मैं सिंपली इस पेज में जाता हूँ, क्विक ट्रांसफ़र पे जाता हूँ, मैंने उसके लिए फॉर्म भर लिया। पे यूजिंग डिटेल्स Zebpay, उसके बाद अकाउंट नंबर,
বল কোথাও বেড়তে গেছি তুমি? হুম যাবি কোথাও ঘুরতে? ভালো যে না আজ 23 তারিখ না? হুম আজ ইকো পার্কে অরিজিন সিং আসছে। ইকো পার্ক দাম টাকা 1200 টাকা করে টিকিট। এদিকে মেরে অ্যাকাউন্ট সে মেনে ট্রান্সফার কর লিয়া, এদিকে মেরে অ্যাকাউন্ট পে ভেজো 1000 রুপিয়া ও আ গয়া হ্যায়। আপ মুঝে ক্যা করনা চাহিয়ে? আপ মুঝে বাই করনা চাহিয়ে তো মে সিম্পলি ইস নম্বর পে 1000 রুপিয়া ডাল দেতা হুঁ। এদিকে ইতনা বিটকয়েন হ্যায় তো আগর মে সিম্পলি বাই করুঙ্গা তো খুদ বে খুদ বাই হো জায়গা, ঠিক হ্যায়? তো মে কুছ সময় ওয়েট করতা হুঁ কি কব ইসকা রেট কম হো জায়গা, উসকে সময় হি মে বাই করুঙ্গা। আগর আপ আমার আপ শেয়ার বলে কুছ দেখ লিজিয়ে কিতনা সময় মে ये बाई होता है, तब अगर मैं जब शेयर वैल्यू कम हो जाएगा तो मैं बाई करके आपका पूरा वीडियो कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा। तो ये था रेट, अभी तो ये रेट है 11,76,128 रुपया। कुछ समय से रेट कम ही नहीं हो रहा था, मैं कुछ दिन से वेट कर रहा था क्योंकि कुछ दिन पहले 7 लाख तक नम गया था, गिर गया था, लेकिन फिर से ऊपर आना स्टार्ट हो गया, लेकिन ये कम होने का नाम ही ले रहा था। तो सिंपली मैं इस रेट पे ही एक बार मैं डिपॉजिट कर देता हूँ, अगर नहीं डिपॉजिट किया तो क्या होगा, तो रेट खुद खुद बढ़ जाएगा और मेरा जो वैल्यू है कम होना कम होता जाएगा। तो सिंपली 1000 रुपये पर देख सकते डिपॉजिट किया हुआ है, तो मैं सिंपली बाई बटन पर जाता हूँ, इधर मैं 1000 रुपये डाल देता हूँ। देख इतना सा बिटकॉइन, मैं सिंपली इसको बाय कर देता हूँ, ठीक है? सिंपली मैंने इसको बाय ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, इधर आप देख सकते हैं ये जो मेरा बिटकॉइन का वैल्यू है, इधर देखिए मैंने खरीद लिया है। ये देखिए जेड पे से मैसेज भी आ गया है, डियर यूजर कांग्रेचुलेशन यू हैव रिसीव बिटकॉइन वर्ल्ड एक्सेल रेफर प्रोग्राम, ठीक है? इधर आप देख सकते हैं रेफर से भी मुझे 100 रुपया मिल गया है, आप देख सकते हैं। तो मैं ट्रांजेक्शन पर जाऊँगा, यह देख सकते हैं मेरा 1000 का बिटकॉइन दिया हुआ है, ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने डिपॉजिट किया और बाई 1000 पर क्लिक कर दिया है। तो ऐसे करके मैंने डिपॉजिट बटन पर क्लिक कर दिया, देखिए अभी मेरा डिपॉजिट बटन 0 हो गया है, ठीक है? तो ऐसे करके आप बाई कर सकते हैं। तो कभी मुझे आप मेरा जो रेट है आप देख सकते हैं, अभी जब ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगा मेरा जो बिटकॉइन का वैल्यू है वो तरह बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, अगर कम हो गया तो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं सेल करना चाहूँ तो 11,76,000 के ऊपर होगा जब तभी मैं सेल कर सकता हूँ, उसके नीचे मैं सेल करूँगा तो मुझे भरपाई करना मुझसे भरपाई करना होगा मुझे। तो ये था एक छोटा सा वीडियो कैसे बिटकॉइन कैसे कि बिटकॉइन की जेड पे मैं अकाउंट को साइन अप कर सकते हैं, उसके बाद कैसे बिटकॉइन की डिपॉजिट कर सकते हैं और कैसे आप उसे बाई कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए, मैं आपके कमेंट पढ़ के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।